सत श्री अकाल डी फाइव चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं धर्मिंदर संधू स्वागत करदा। पंजाब दे विच किसान मंडियां दे विच झोना लैके पहुँच रहे ने, झोने की खरीद नूं लैके भी कई तरह दीआं खबरां ने। इसे दे चलदिआं साबका मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह खन्ना दी अनाज मंडी का दौरा करन वास्ते पहुँचे। इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिथे सूबा सरकार की कारगुजारी के उत्ते सवाल खड़े किए, उत्थे उन्होंने कहा है कि वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नाल मुलाकात करेंगे, किसानों का मुद्दा वह चुकणगे। यही गल दस साल मैं चलाई है जाए दिल्ली अगर कोई अड़चन आउंदी है एफसीआई दे नाल या परचेस नाल या अपने कहन दे ओदे कहन ते नवी झोना लाया है और हुण इहदे ते जद जद किसानी नूं कोई औख आ रही है पिट्ठो ते पत्रिका आया उरे किसी मंडी गया भगवंत मान नहीं आए अज तक उरे खन्ना छड़ो किते भी पंजाब कोई एमएलए नहीं आ रहा जी मंडी कोई मंडी नहीं मौजूदा सरकार दा कोई नुमाइंदा नहीं आ रहा और एग्रीकल्चर मिनिस्टर फूड मिनिस्टर कोई नहीं आ रहे ड्यूटी बनती है जावे दिल्ली अगर कोई एफसीआई प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिले प्राइम मिनिस्टर मिले होम मिनिस्टर मिले उन्होंने गलबात करे क्या अड़चना आ रही है मैं कहूंगा पर जिम्मेवारी मेरी है एज अ पंजाबी एज अ किसान। कैप्टन अमरिंदर सिंह की इस फेरी नूं लैके पंजाब दे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी अपना प्रतिक्रम दिता है। उन्होंने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह अते केंद्र सरकार दे उत्ते कई तरह के निशाने साधे ने। अज साडे पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मंडियां जाके लोगों कह रहे हैं कि पंजाब सरकार ने इस मसले का हल नहीं किया। मैं हैरान हाँ कि कैप्टन साहब पंजाब के दो बार मुख्यमंत्री रहे हैं और अजकल भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप के आते हैं, वह बार बार देश की होम मिनिस्टर देश के प्रधानमंत्री साहब को मिलते हैं पर अज तक उन्होंने कदे पंजाब के मसलों की गल नहीं की। लोग जानते हैं पंजाब जानता गा मुख्यमंत्री साबका मुख्यमंत्री साहब जानते हैं कि सारी समस्या जी केंद्र सरकार ने खड़ी की आ केंद्र सरकार ने समय सिर पंजाब के चावल नहीं चके केंद्र सरकार ने समय सिर पंजाब के शैलर मालकों की गल नहीं सुनी पंजाब के आढ़तियों की गल नहीं सुनी पंजाब के किसानों की गल नहीं सुनी। ये सारे जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज जिस विच कैप्टन साहब शामिल ने गे वो पंजाब नूं नफरत करती है पंजाब के आढ़तियों नूं नफरत करती है पंजाब के किसानों नूं नफरत करती है पंजाब के शैलर मालकों नूं नफरत करती है किसी भी समस्या का हल नहीं करना चाहते। कैप्टन साहब जानते हैं कि किन्ने पैसे केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंजाब के वख-वख डिपार्टमेंटां दे रोके हुए ने। अज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लीडर ने ना कैप्टन साहब ने ना किसी होर लीडर ने एक बार भी पंजाब का मुद्दा केंद्र सरकार को चुकया। मैं हैरान हाँ कि अज जाके मंडिया जाके ड्रामेबाजी कर रहे हैं। पंजाब नूं पता गा कि जदों काले कानून आए सी उस समय भी जो तीन काले कानून आए थे जिन्होंने पंजाब के किसान नूं मारन दा यतन किया सी उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े नेगे वह केंद्र सरकार दे नाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाल खड़े सीगे क्योंकि यह गल साफ हो चुकी सी उस समय आम आदमी पार्टी अपोजिशन दे विच सीगी। असीं बार बार कहिंदे सीगे कि कैप्टन साहब पंजाब दे अंदर मुख्यमंत्री पंजाब दे कट और भारतीय जनता पार्टी दे एजेंट वजो काम कर रहे हैं। अज वो गल साफ आ क्योंकि जो वह मुख्यमंत्री दे अहुदे तो हटे तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी शामिल हो गए पर लेकिन कदे भी अज तक उन्होंने पंजाब दे किसान की गल नहीं की पंजाब दे किसी आढ़तियों की गल नहीं की पंजाब दे शैदर मालकां की गल नहीं की। अज वो एक मैं समझना अपनी खोई हुई सियासी जमीन हासिल करने के लिए इस तरह की ड्रामेबाजी कर रहे हैं। पंजाब का बच्चा बच्चा जानता गा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे वह कैप्टन साहब ने चाहे वह जाखड़ साहब ने जिहड़ा भी लीडर आ वह मैं समझना पंजाब के खिलाफ साजिशां रचण दे विच केंद्र सरकार दे नाल भारतीय जनता पार्टी दे मिलिया होया। दस दईए कि मंडियां दे विच झोने दे अंबार लगे हुए ने, किसान अपनी फसल लैके पहुंचे ने पर लिफ्टिंग नूं लैके सवाल उसे तरह बरकरार ने।
केंद्र सरकार कहती है कि पंजाब सरकार ने लिफ्टिंग करवानी है, तो दूजे पासे पंजाब सरकार कहती है कि केंद्र ने FCI के गोदामों के पिछला झोना नहीं चुकया, इस करके ये समस्या पैदा हो गई है। कुल मिला के दोवें धिर दोवें सरकार आमो सामने नज़र आ रही ने, पर किसान काफ़ी परेशान ने। त्यौहारों तो पहला अपने आप नूं वेला करना चाहते हैं, अगली फसल की भी उन्होंने तैयारी करनी है। हालांकि पंजाब सरकार ने यह भी दावा किया है कि रोज़ाना मंडियां दे विच कई लख मीटरिंग टन जिहड़ा झोना आ रहा है, तो नाल दी नाल किसानां दे खातियां दे विच पैसे भी पाए जा रहे हैं। हुण देखना होगा कि किसान इन दोवां लीडरां दे बयानां नूं लैके की प्रतिक्रम देंदे ने। निडर हाँ, निरपक्ष रहांगे, आजाद हाँ, सच कहांगे, गल करांगे सियासी हवा दी, हुकमरानां नूं होणगे सीधे सवाल, सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर। हर मसले ते रहेगी तिखी नजर, दसांगे कौन कर रहा है कीदे ते जबर। विदेशों दे विच बैठे पंजाबियों दे हक दी करांगे गल, कैनेडा अमेरिका दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बनके, हर मुद्दे ते होणगे रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बणांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, गायकां ते अदाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, ते कलाकारां दी जिंदगी ते मारांगे झात। अब धर्म धरोहर संस्कृति और सेहत की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा साथ। की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल, D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल।